हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 15। पिछले वीडियो में हमने किया था मल्टीप्लिकेशन और इस वीडियो में हम करेंगे डिवीजन। ठीक है, आप डिवीजन पिछले स्टैंडर्ड यानी फोर्थ में सीख चुके हो, लेकिन इसमें नंबर्स थोड़े से बड़े बड़े हैं, सो इसको कैसे सॉल्व करने का आज हम सीखेंगे। प्रॉब्लम सेट 15 आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। एक वाला एग्जाम्पल देख लो, याद आया आपको? इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। ये क्या है आपका? डिवाइजर। ये क्या है आपका? कोशेंट। और ये है आपका रिमाइंडर। तो आपको ये सब सॉल्व करना है और कोशेंट और रिमाइंडर लास्ट में बताना है। पहला नंबर क्या है? 1284 डिवाइड बाय 32। ठीक है, सो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो बड़ा नंबर है मतलब जो पहले रहता है वो हमेशा आपका रहता है अंदर यानी डिविडेंड। जो दूसरा नंबर रहता है वो होता है आपका डिवाइजर। ठीक है, जो पहला नंबर है वो जाएगा अंदर, जो दूसरा नंबर रहेगा वो जाएगा बाहर। अब 32 का टेबल बोलना है। ठीक है, अब 32 का टेबल जाहिर से बात है इतना अभी किसी को आएगा नहीं। ठीक है, सो पेंसिल स्केल से यहाँ पे एक लाइन खींचो, ऐसा पेंसिल स्केल से लाइन खींचो और यहाँ पे 32 का टेबल लिखते। ध्यान से देखो कैसा करते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 32 वन ज़ा, 32 टू ज़ा, 32 थ्री ज़ा, 32 फोर ज़ार, 32 फाइव ज़ार, 32 सिक्स ज़ार, 32 सेवन ज़ार, 32 एट ज़ार, 32 नाइन ज़ार, 32 टेन ज़ार। ठीक है, सबसे पहले क्या करने का, जो यहाँ पे नंबर दिया है उसको आपको टेबल लिखना है। अब ध्यान से देखो, 32 वन ज़ार 32। ठीक है, समझ में आ गया। 32 टू ज़ा आपको आता है, जाहिर सी बात है सबको नहीं आता होगा। सो 32 टू ज़ा क्या करने का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का, 32 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ार 6, है ना। आई रिपीट, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ार 6, नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है। आपका आंसर क्या आया? 64। ये सब आप, ये टेबल तो आपको यहाँ लिखने का, ये जो मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये आपको पीछे रफ वर्क में करना होता है। मैंने आपको इसलिए यहाँ बताया ताकि आप सीख सको, लेकिन ये जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको रफ वर्क में करने का। वैसे ही 32 थ्री ज़ा करो। ठीक है, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही 32 फोर ज़ा करो, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया कैसा निकालने का? ऐसे ही सब नंबर्स के लिए करना है। 32 फाइव ज़ा, 32 सिक्स ज़ा, ये जो टेबल निकाल रहे हम वो आपको सम के बाजू में करना है, और ये जो कर रहा हूँ मैं रफ वर्क वो आपको पीछे करना होता है। सो मुझे अभी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को हर एक के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको हर एक के लिए मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 192 है, ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये 192 है। थर्टी टू टेन ज़ा 320। समझ में आ गया, ये मैंने डायरेक्ट किया, आपको हर एक के लिए ऐसा पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते सम के सामने। ठीक है, अब 32 का ये दो नंबर है 1 2, तो यहाँ भी कितना लेंगे? 1 2। 32 का टेबल बोलो जब तक 12 नहीं आता। 32 वन ज़ार 32, ये 32 के अंदर ही 12 आ गया, है ना, है ना। तो क्या करेंगे? 32 ज़ीरो ज़ार 0 माइनस, ठीक है, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1, फिर ये जो 8 था वो आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है? अब 32 का टेबल बोलो जब तक 128 नहीं आता। 32 वन ज़ा 32, 32 टू 64, 32 थ्री ज़ा 96, 32 फोर ज़ा 128। आप देख सकते हो 128 आ गया, तो कितना है? 32 फोर ज़ा 128। सो 32 फोर ज़ा 128। ठीक है, माइनस करेंगे, 8 माइनस 8 ज़ीरो, 2 माइनस 2 ज़ीरो, 1 माइनस 1 0। ठीक है, फिर ये 4 नंबर बच गया, ये आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है?
वापस 32 का टेबल बोलो जब तक 4 नहीं आता, 32 वन ज़ा 32, उसी में 4 आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे एक नंबर पीछे का लेंगे, 32 वन ज़ा नहीं लिखेंगे, 32 जीरो ज़ा लिखेंगे, जैसा पहले किया था वैसे यहाँ भी करेंगे, 32 जीरो ज़ा ज़ीरो, ठीक है, माइनस करने का, 4 माइनस ज़ीरो 4, 0 0 0, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मेरा आंसर ख़त्म हो गया, कैसे, 1 2 3 4, ये चार नंबर थे, ये जो चौथा नंबर है ये नीचे मैंने एरो खींच के कर दिया, मतलब जब लास्ट नंबर मैं एरो खींच के कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब मेरा आंसर ख़त्म, ठीक है। सो आंसर क्या है आपका, ये है आपका कोशेंट, ये है आपका रिमाइंडर, तो आपको लिखना पड़ेगा कोशेंट कितना है 40, रिमाइंडर कितना है 4, ठीक है, या 0004 लिखो या सिंपली 4 लिखो तो भी चलेगा, समझ में आ गया। वैसे मैं आपको सेकंड वन करके दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में दिया है 5586 डिवाइड बाय 87, ठीक है, ये करना है। सो जो पहला नंबर है वो जाएगा अंदर, जो दूसरा नंबर है वो जाएगा बाहर, फिर मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप क्या है, 87 का टेबल बनेंगे, कैसे बनेंगे, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था ना वैसे आपको करना है, 87 वन ज़ा 87, ये तो सबको पता है, 87 टू ज़ा, ऐसा मल्टीप्लाई करने का, जैसे यहाँ पे कैसे किया था 32 मल्टीप्लाई बाई 2, वैसे यहाँ करने का, यहाँ मतलब रफ वर्क में पीछे 87 टू ज़ा मल्टीप्लाई करने का, फिर 87 को 3 से मल्टीप्लाई करने का, 87 को 4 से मल्टीप्लाई करने का, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये सब आंसर आएगा। एक बार मेरा टेबल रेडी हो गया फिर हम डिवीजन चालू करेंगे। अब 1 2 1 2, 87 का टेबल बोलो जब तक 55 नहीं आता, 87 वन ज़ा 87, उसी के अंदर 55 आ गया, इसलिए हम 87 वन ज़ा नहीं लिख सकते, 87 वन के पहले क्या आता है 0, एक नंबर पहले लेने का, 87 वन ज़ा के पहले क्या आता है 87 जीरो ज़ा, तो 87 जीरो ज़ा 0, समझ में आ गया। 5 माइनस 0 5 5 माइनस 0 5, ये जो 8 है वो आ जाएगा नीचे। अब 87 का टेबल बोलो जब तक 558 नहीं आता, सो 87 वन ज़ा 87, यहाँ पे ध्यान देना, 87 टू ज़ा 174, 3 ज़ा करेंगे तो 261, 4 ज़ा करेंगे तो 348, 5 से करेंगे तो 435, 6 से करेंगे तो 522, 7 से करेंगे तो 609, ये देखो यहाँ पे 558 से ये नंबर आगे निकल गया, 522 पे तो नहीं पहुँचा, लेकिन जैसे 87 7 ज़ा 609 आया, मतलब वो मेरा नंबर या 558 से आगे निकल गया। सो हम 87 मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं लिखेंगे, उसका एक नंबर पहले, 87 मल्टीप्लाई बाय 7 के पहले क्या है, 87 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 87 6 ज़ा, 87 6 ज़ा कितना है 522, समझ में आ गया। तो हमेशा एक नंबर पहले लेने का, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 5 0, ठीक है। अब 8 लिया था, अभी लास्ट नंबर 6, इसको नीचे ले लेने का, अगेन 87 का टेबल बोलो जब तक 366 नहीं आता, सो 87 वन ज़ा 87, 2 ज़ा करेंगे तो 174, 3 से करेंगे तो 261, 4 से करेंगे तो 348, 5 से करेंगे तो 435, ये देखो 366 से ये नंबर आगे निकल गया, 348 तक तो नहीं था लेकिन 366 कहाँ पे पार हो गया, ये दोनों के बीच में 435 पे पार हो गया, इसलिए हम 87 5 ज़ा नहीं लिखेंगे, 87 4 ज़ा लिखेंगे, 87 फोर ज़ा कितना है, 87 फोर ज़ा 348, माइनस करने का, 6 माइनस 8 नहीं कर सकते, क्यों, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है तो बोरो करना पड़ेगा, 6 का हो जाएगा 16, ये 6 का हो जाएगा 5, क्यों, ये 6 अपने में से 1 दे देगा इसको, तो 6 में से 1 गया तो बचा 5, और 16 माइनस 8 फिर हम कर सकते हैं, 16 माइनस 8 8, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 3 0, समझ में आ गया। सबका कोशेंट क्या है यहाँ पे 64, ठीक है 64 ऊपर देख सकते हो, और रिमाइंडर क्या है 18, समझ में आ गया, सबको ऐसा करना होता है। अच्छा एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट और सेकंड किया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये चारों आपको खुद से करना है, जैसा हमने किया एकदम वैसे ही करना है, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, अगले वीडियो में मैं करूँगा ये सारे क्वेश्चंस।